हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी बैटिंग सीरीज का थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। मैं आपको जिसमें बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन और लेंथ पर कौन से शॉट खेल सकते हो। फर्स्ट पार्ट बनाया था मैंने, उसमें बताया था कि आप गुड लेंथ की बॉल पर कौन सा शॉट खेलोगे, कैसे रन बनाओगे। सेकेंड पार्ट में बताया था कि आप हाफ वॉली बॉल पर कैसे रन स्कोर करोगे, कौन से शॉट खेलोगे। आज मैं आपको बताऊंगा आप शॉट ऑफ गुड लेंथ की बॉल पर कौन सा शॉट खेलोगे और कौन से एरिया में आप रन स्कोर कर पाओगे। तो बी है वॉच द वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अलोंग विद द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। फट से डेमो दे दूंगा पहले खेल के, कि मैं सामने से एक फीडर मैंने फीड करने के लिए लगाया हुआ है जो मुझे बॉल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के बॉल फीड करेगा, और मैं आपको साथ साथ शॉट खेलने के साथ साथ बताऊंगा कि आप मतलब किस लाइन वाली बॉल को आपको कहाँ खेलना है। आपको लेग स्टंप पे बॉल मिलेगा, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का शॉट कहाँ खेलना है, मिडिल स्टंप पे मिला, लेग स्टंप बाहर मिला, ऑफ स्टंप पे मिला। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और बीच बीच में मैं शॉट खेलने के बाद एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। वन मोर थिंग, मैं अभी बैटिंग कर रहा हूँ बिना किसी इक्विपमेंट के, आपको इक्विपमेंट पहन के ही बैटिंग करनी है, बात ध्यान रखनी है। लेंथ का बॉल एक्चुअल में होता कौन सा है, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था ना मैंने बताया था उसमें गुड लेंथ के बारे में। अब शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का जो बॉल आपकी गुड लेंथ से भी थोड़ा शॉर्ट है, मतलब जो आपकी गुड लेंथ का जो स्पॉट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ गुड लेंथ का स्पॉट कौन सा है। जो गुड लेंथ का स्पॉट है उससे भी और बॉल शॉर्ट गिर रहा है, वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ है। जो वो लैंड होने के बाद आपके बॉडी पर ना नी हाइट और वेस्ट हाइट के बीच में आएगा, आपको ध्यान रखना है। आपको उस पर क्या करना है, आपको उसे बैकफुट जाना है, बॉल की लाइन को कवर करना है और बैकफुट डिफेंस या मैं जो भी शॉट बता रहा हूँ वो शॉट खेलना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में शॉट के साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। या देखो ये वाला बॉल क्या था, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल था, ऑफ स्टंप के अच्छा खासा बाहर था। तो जब ऑफ स्टंप की बॉल बाहर है, मैं इतना दूर यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर इतना दूर और वर्टिकल बैट से खेलने जाऊँगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरा बैट का इनसाइड है या आउटसाइड है लग जाएगा, क्योंकि बॉल बॉडी से बहुत दूर है। बॉल बॉडी दूर है तो यहाँ पर मैं आपको बैकफुट कट आप खेल सकते हो एडजस्टमेंट करके। अगर बॉल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल है, ऑफ स्टंप बाहर है, आपने बॉल का बाउंस पिक कर लिया है, तो आप बैकफुट पे ऑफ स्टंप को कवर करके अपने बैकफुट से और यहाँ पर कट शॉट खेल सकते हो, जैसे मैंने वीडियो में खेला है, ठीक है। वॉच द वीडियो। देखो ये वाला बॉल बॉडी पे था, तो जैसे आपको ध्यान रखना आपकी बॉल बॉडी पे होगा ना, तो आप वहाँ पर हॉरिजॉन्टल बैक नहीं खेलने जाओगे, आप बॉल की लाइन को कवर करोगे और इंपैक्ट एकदम आपके हेड के नीचे बैकफुट थाई के सामने। यहाँ पर वीडियो देखो, यहाँ बैकफुट इंपैक्ट आपको यहाँ करना है और आप बैकफुट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल पर आपको करना क्या है, अगर बॉल की हाइट आपकी नी हाइट पर है तो आप यहाँ से बैकफुट जाके उसको बैकफुट ड्राइव खेल सकते हो। अगर बॉल की हाइट ज़्यादा है तो आपको वहाँ डिफेंस करना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको डिफेंस करूँगा तो आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। या तो ये वाला बॉल ऑलमोस्ट मेरे वेस्ट हाइट से ऊपर था। अगर मैं इस बॉल को मैं हिट करने जाता ना, तो बॉल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बॉल हवा में जाता, तो आपको बॉल का बाउंस भी पिक करना पड़ेगा। जब आप शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल फेस कर रहे हो और बॉल एकदम रेज होता हुआ आ रहा है और देख रहे हो आपके बॉल का जो बाउंस है वो वेस्ट हाइट से ऊपर है, तो आपको कुछ नहीं करना, बैकफुट यहाँ से कवर करना है और बॉल को रेज होते ही आपको बॉडी को थोड़ा सा रेज करके यहाँ बॉल डिफेंस कर देंगे शॉट बहुत सॉफ्ट हैंड से, जिससे सिंगल के चांसेस भी बन जाएंगे और आप बॉल को ईजिली भी खेल पाओगे। देखो ये वाला बॉल क्या था, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल था लेकिन बाउंस थोड़ा कम था, तो बैकफुट पर सारा जो खेल है ना वो बाउंस का है। अगर बाउंस ज़्यादा है तो आपको डिफेंस करना पड़ेगा। आपकी बॉडी को अगर विड्थ मिल रही है बॉल से तो आप कट खेल सकते हो, बॉल ज़्यादा शॉर्ट पिच है तो आप फुल खेल सकते हो, बॉल आपकी बॉडी पर यहाँ आ रहा है तो आप बॉल की लाइन को कवर करके अपने स्टंप कवर करके यहाँ से फ्लिक खेल सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा फ्लिक आप कैसे खेलोगे। भाई साहब जब शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल फेस कर रहे हो ना, तो फीडर आपको कोई भी बॉल थोड़ा सा शॉर्ट पिच भी कर सकता है, तो आपको पुल शॉट भी रेडी रखना है अगर आप खेलते हो तो। वेट, ठीक है ठीक है, शाबाश। देखो ये वाला बॉल क्या था, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल था लेकिन ऑफ स्टंप के अच्छा खासा बाहर था, और बॉल का बाउंस भी किया मैंने, अपना ऑफ स्टंप कवर किया, यहाँ से बैकफुट कट खेल दिया। ये सारे शॉट आपको आने चाहिए आपको रन स्कोर कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको बॉलर एक आध गंदा बॉल देगा और उस पर आपको रन स्कोर करने पड़ेंगे। देखो ये वाला बॉल ऑलमोस्ट मेरे लेग स्टंप पे था, तो इस बॉल को क्या करना, मैंने अपना ऑफ स्टंप पहले कवर किया, अब मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, तो यहाँ पर मैं अपना रिस्ट से बैट का फेस बंद करके बॉल को शॉर्ट फाइनल डिजन में ढकेल के सिग्नल आराम से ले सकता हूँ। तो बेसिकली हमें करना क्या है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो गाइस बेसिकली मैं आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल मिले तो आपको बैकफुट पे खेलना है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पर अपने शॉट को पता है मॉडिफाई कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू बॉल बाउंस। अगर बॉल का बाउंस आपके नी हाइट तक है तो आप उस पर इजिली बैकफुट ड्राइव मार सकते हो, अगर बॉल आपके स्टंप लाइन पे है। अगर बॉल आपके शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल है, ऑफ स्टंप बाहर है, तो उस पर बैकफुट कट मार सकते हो। अगर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का बॉल है आपके वेस्ट हाइट पर है तो आपको बैकफुट डिफेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉल इतना रेज पे बॉल पे अगर आप ड्राइव मारने जाओगे ना तो बॉल डेफिनेटली हवा में जाएगा, ठीक है। मैं आपको फटाफट से कुछ शॉट ऑफ खेल के दिखाता हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो ये वाला बॉल बैकफुट ड्राइव का बॉल था, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको इंपैक्ट हमेशा बॉडी के पास एंड बिलो द हेड करना पड़ेगा अगर शॉट पे कंट्रोल चाहिए तो। फिर देखो ये वाला बॉल तो ऑलमोस्ट चेस्ट साइड पे था, आपको क्या करना है अगर बॉल आपके चेस्ट साइड पे आ रहा है आपको बॉल चेक करना है, आपको बॉल के बाउंस के साथ में रेज करना पड़ेगा अपनी बॉडी को ऐसे, ये बैकफुट को टो पे लेने के बाद, और बॉल को बहुत सॉफ्ट हैंड से इस तरह कहीं पर भी आप धकेल सकते हो तो आपको सिंगल मिल जाएगा। तो ये वाला बॉल ऑफ स्टंप बाहर है, वहां पर आपको फिट मिलेगी, आप कट खेल सकते हो बिंदास। गाइज ये भी पार्ट आज फिनिश करते हैं यहाँ पर। अब इसमें लाइन ऑन लेंथ पर एक या दो वीडियो मुश्किल से और बची होगी, इसमें मैं आपकी बच्चे को जो सारे लाइन ऑन लेंथ को कवर कर लूँगा, ठीक है। आज का वीडियो आप देखिए और इसको अपने गेम में इंप्लीमेंट करिए। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।